नमस्कार दोस्तों, बहुत बार मुझे इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं कि हमने ऑनलाइन न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, लेकिन वहाँ पर एड्रेस किस प्रकार से फिलअप करना है हमको नहीं पता। अगर वो आधार KYC के थ्रू पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तब तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि जो भी डिटेल्स होती है ऑटोमेटिक से वो आधार कार्ड से उठा लेता है। अगर आप सेकेंड मोड चूज़ करके पैन कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको अपना एड्रेस मैनुअली तौर पर वहाँ पर फिलअप करना पड़ता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से फिलअप करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको एड्रेस फिलअप करना है तो सबसे पहले आपको तीन काम करना है। सबसे पहले कंट्री चूज़ करना है, इसके बाद से अपना स्टेट चूज़ करना है, इसके बाद से अपने गाँव या सिटी का पिन कोड डाल देना है। जैसे आप अपने गाँव का पिन कोड डालोगे तो हो सकता है कि बाकी की जो डिटेल्स है ऑटोमेटिक से वो फिलअप हो जाए। अगर नहीं होती है तब आपको मैन्युअली तौर पे फिलअप करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर क्या फिलअप करना है। यहाँ पर है फ्लैट, रूम नंबर, डोर नंबर या फिर ब्लॉक नंबर। तो देखिए दोस्तों, अगर हम सिटी की बात करें कि लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं तो उनका फ्लैट नंबर होता है, रूम नंबर होता है, डोर नंबर होता है या फिर ब्लॉक नंबर होता है। और अगर हम जैसे की बात करें तो हम तो गाँव में ठहरे रहने वाले, हमारा तो धरती में मकान रहता है नीचे की तरफ, जिस पे हमारा मकान नंबर होता है, जैसे कि हाउस नंबर हो गए जो नगरपालिका के द्वारा मिलता है। तो हमको यहाँ पर अपना हाउस नंबर फिलअप करना है। आप अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते तो आप अपना फ्लैट नंबर या फिर रूम नंबर या ब्लॉक नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हो। इसके बाद से यहाँ पर आते हैं तो आप अपनी बिल्डिंग का नेम या फिर अपने विलेज का नाम यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि हमारे गाँव में केसेस में होता है कि हमारे यहाँ पर वार्ड नंबर आता है, सबके वार्ड अलग अलग होते हैं एक ही गांव में। इसके बाद से अपना यहां पर अपने रोड का नेम डालना है या फिर अपने लैंड या फिर पोस्ट ऑफिस, अगर आपकी पोस्ट ऑफिस अगर आपके गांव या सिटी लगती है, जैसे कि मेरे केसेस में यहां पर है कि जो मेरा गांव मझौली है पोस्ट ऑफिस ही मझौली लगता है, तो मैंने यहाँ पर मझौली फिल कर दिया है क्योंकि मेरा पोस्ट मझौली लगता है। इसके बाद से आते हैं एरिया, लोकेलिटी, तालुका, सब डिवीज़न या फिर कुछ लोग बोलते हैं तहसील। तो जैसे कि मेरे केसेस में यहाँ पर जो मेरा तहसील है वो मझौली लगता है, आपका कुछ और यहाँ पर तालुका हो सकता है या फिर मंडल जो भी आप बोलते हो तो आपका अलग यहाँ पर हो सकता है। तो मेरे केसेस में ये एक ही है, तो मैंने ये अपने गाँव का नेम यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद से आपको अपनी सिटी का नाम या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर फिलअप करना है, और बाकी का जो तो मैंने पहले ही बता दिया। तो इस प्रकार से आपको एड्रेस फिलअप करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप अपने आधार कार्ड में जैसा एड्रेस है सेम टू सेम वैसा फिल करना चाहते हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे पैन कार्ड में मेरा जो एड्रेस है इस प्रकार से मेंशन है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आधार बेसिस पे आपको किस प्रकार से एड्रेस फिलअप करना है। सबसे पहले आप देख सकते हो आपके आधार कार्ड में जो बैक साइड में फादर्स नेम होते हैं या फिर किसी किसी के हस्बैंड नेम होते हैं तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि मेरा आधार कार्ड ओल्ड वाला है तो उस पर सन ऑफ है, तो आपको यहाँ पर SO करके और ऑफ करके और यहाँ पर अपने फादर्स का नेम फिलअप कर देना है। हो सकता है कि अगर आपका आधार कार्ड अभी अभी बना है तो उस पर CO हो, क्योंकि अभी केयर ऑफ हो चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपने फादर्स का नेम डालना है या फिर हस्बैंड के नेम डालना है जो आपके आधार कार्ड में हो, उस प्रकार से आपको काम करना है। इस प्रकार से आपको विलेज में अपना हाउस नंबर डाल देना, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो मेरा हाउस नंबर इस प्रकार से डाला हुआ है। इसके बाद से यहां पर पोस्ट ऑफिस में मेरा वार्ड नंबर डाला हुआ है। इसके बाद से यहां पर एरिया, लोकेलिटी, तालुका, सब डिवीज़न या फिर तहसील में मेरा ही गाँव का नेम यहाँ पर डला हुआ है, क्योंकि तहसील मेरा ही गाँव का लगता है। इसके बाद से डिस्ट्रिक्ट में मेरे आधार कार्ड में मेरा जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसने नहीं लिया है। इसके बाद से मध्य प्रदेश है, इसके बाद से पिन कोड है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से भी अपना एड्रेस फिलअप कर सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो। या फिर आपको आधार कार्ड में फादर्स नेम नहीं है तो जैसे मैंने पहले बता दिया आप उस प्रकार से भी फिलअप कर सकते हो, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो सकती। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लें।